Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and I hope you all are in great health. So today's cue card is describe a joke that made you laugh. एक ऐसे जोक के बारे में बताना जिसको सुनकर आप काफी हंसे थे. And sub cues are who told you the joke? ये जो किसने आपको बताया था? When and where? ये कब और कहाँ की बात है? Next one is what the joke was? कि जोक क्या था? And the last one is why did you find it interesting? कि आपको ये interesting क्यों लगा था? सो बिफोर वी स्टार्ट दैम्पल आंसर गाइज प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉर गेट टू शेयर दिस वीडियो सो लेट्स बिगेन द सैम्पल आंसर गाइज ह्यूमर डजन जस्ट गार्ड अगेंस्ट डिप्रेशन इट ऑल्सो इम्प्रूवस पीपल्स ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ की जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होता है उस वो सिर्फ हमें डिप्रेशन से नहीं बचाता बट हमारी जो ओवरऑल लाइफ होती है उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है इन दिस फास्ट पेस्ट लाइफ जोक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू ईज आर लाइफ एंड वर्क एज अ मेडिसिन टू रिलीफ आर स्ट्रेस कि जो से हमारी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है उसमें जोक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और एक अच्छी मेडिसिन की तरह हमारा जो स्ट्रेस होता है उसको कम करते हैं आई हैव लाफ्ट एट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जोक्स सो इट्स हार्ड फॉर मी टू पिक जस्ट वन कि मैंने काफ़ी ज़्यादा जोक्स सुने हैं जिस पर मैंने हंसा और ये बहुत मुश्किल है किसी एक को चुनना हाउ एवर देर इज़ अ जोक दैट इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट इट इज़ स्पेशल एंड हैंस इट इज़ वर्थ मैंशनिंग कि हालांकि मैंने काफ़ी ज़्यादा जोक सुने हैं बट एक मेरा जोक है जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और वर्थ मैंशनिंग है यहाँ पर द जोक वॉज क्रैक बाई माई फ्रेंड विच इज़ एज़ गुड एज एनी फनी जोक कि ये जोक मेरे दोस्त ने क्रैक किया था उसने सुनाया था और ये बहुत ही फ़नी जोक था आई विलवली रिमेंबर दैट ऑन लास्ट दिवाली माई फ्रेंड राज विजिट टू इंडिया कि मुझे अच्छे से याद है कि जब लास्ट दिवाली थी मेरा दोस्त राज विजिट उसने किया था इंडिया में ही लिवस इन कैनेडा कि वो कैनेडा में रहता है और वहाँ से वो इंडिया विजिट किया था उसने लास्ट ईयर बेसिकली ही इज़ अ कंप्यूटर इंजीनियर बाई प्रोफेशन एंड लवस टू ट्रैवल कि बाई प्रोफेशन वो एक इंजीनियर और उसको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है ही इज़ द मैन हु विल मेक एनी वन फील कम्फर्टेबल विद हीज़ कम्पेनियन एंड नो वन कैन स्टॉप लाफिंग हेरिंग हिज जोक्स एंड द वे ही टॉक्स कि वो एक ऐसा इंसान है जो किसी को कम्फर्टेबल बना सकता है अपने फ्रेंडशिप के साथ और जो भी उसके जोक सुनेगा वो हंसना बंद नहीं करेगा जल्दी ड्यूरिंग हिज स्टे ही ऑर्गेनाइज द गेट टुगेदर अ रेस्टोरेंट कि जब वो यहाँ पर दिवाली के टाइम यहाँ पर रुका था तो उसने एक ऑर्गेनाइज़ किया था गेट टुगेदर पार्टी एक रेस्टोरेंट में वी ऑल फ्रेंड्स वर एक्साइटेड टू मीट ईच अदर आफ्टर सो लॉन्ग कि हम सारे दोस्त बहुत ही एक्साइटेड थे एक दूसरे को मिलने के लिए क्योंकि हम काफ़ी देर बाद मिलने वाले थे वी वॉज सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट इन्जॉइंग सम स्नैक्स वाई हैविंग फूड कि हम सारे दोस्त इकट्ठे बैठे थे और हम इन्जॉय कर रहे थे और अपने जो स्नैक्स थे उनको भी इन्जॉय कर रहे थे माई जॉकुलर फ्रेंड राजू ओपन अ पैन टोल डस अक मेरा जो जॉकुलर फ्रेंड है कि बहुत ही मजाकिया दोस्त है मेरा जो राज उसने क्या किया उसने हमें एक जॉक सुनाया एंड द जोक वॉज अबाउट अ सीरियल थीफ हु नाइनटीन टाइम्स एट द हाउस ऑफ द सेम पर्सन ये जोक एक थीफ के बारे में था जो कि एक ही घर में उन्नीस बार चोरी करता है इज मैराथन स्टीलिंग एक्ट हैड गॉन ऑन फॉर ऑलमोस्ट सिक्स मंथिल ही वॉज फाइनली कॉर्ट वन डे कि उसकी ये जो चोरी था एक्ट था ये लगातार छः महीने तक चला अंटिल वो पकड़ा गया था नैचुरली थीफ़ वॉज टेकन टू द कोर्ट फॉर अ फेयर ट्रायल कि फिर उसको ट्रायल के लिए कोर्ट में पेश किया गया था द जज ऑफ द कोर्ट आज द थीफ इफ ही वॉज एक्चुअली द थीफ एंड द थीफ कन्फेस्ट अबाउट हिज क्राइम कि जज ने उसको पूछा कि क्या तुमने सच में चोरी की और थीफ ने मान लिया कि हाँ उसी ने ये क्राइम किया है फाइनली बिफोर अनाउंसिंग हिज बर्थिक द जज क्योरसली आज द थीफ एज टू वाई ही चोज टू स्टील नाइनटीन टाइम्स एट द सेम हाउस कि जज जब अपना फैसला फाइनली सुनाने वाला था पर उसने पूछा आउट ऑफ क्यूरोसिटी कि उसने क्यों उन्नीस बार एक ही घर में चोरी की इन रिस्पॉन्स द थीफ सैद जस्ट लाइक एवरी फैमिली हैज़ अ फैमिली डॉक्टर और अ फैमिली टीचर आई ऑल्सो वॉज अ फैमिली थीफ ऑफ दैट होम कि उसने बताया कि जैसे कि हर फैमिली का कोई फैमिली डॉक्टर होता है टीचर होता है वैसे ही में इनका फैमिली थीफ था नोट टू मैंशन एज सुन एज वी हेयर द फ्रेज़ फैमिली थीफ वी ऑल बस्ट आउट इन लाफ्टर कि जब भी जब हमने ये फ्रेज़ सुना फैमिली थी तो हम सारे रुक नहीं पाए अपने आप को और सारे हंसने लगे एनी वे द जोक वॉज इंटरेस्टिंग बिकॉज इवन दो द थीफ वड हैव स्टोलन एट अदर हाउसेज एंड गेंड इवन मोर ही डिट डू सो एंड इंस्टेड ही चूज टू स्टील एट द सेम हाउस अ पेयरली बिकॉज ही वॉजन सच अ ग्रेडी थीफ एट ऑल और एंड में हमने बता दिया कि रीज़न बता दिया कि हमें ये जो क्यों इंटरेस्टिंग लगा कि अगर चोर चाहता तो वो और भी घरों में चोरी कर सकता था पर उसने की नहीं की क्योंकि वो इतना ज़्यादा लालची चोर नहीं था सो दर्श गायस ये था हमारा सैम्पलांस रिगार्डिंग दिस क्यूब कैड बट बिफोर यू एग्जिट द वीडियो गायस प्लीज़ हेट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फोरगेट टू शेयर दिस वीडियो And I will see you in the next video. Till then, take care. Good luck for the preparation, and thank you, guys.